हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सपना अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। सो गाइस, आज से हिंदी व्याकरण का एक सीरीज शुरुआत होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि सभी एग्जाम में हिंदी का महत्व धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी व्याकरण में हम समझेंगे भाषा, क्योंकि भाई साहब ये जो आपकी ग्रामर है, कोई भी चीज़ें भाषा शुरुआत होती है, तो भाषा की जो सार्थक इकाई होते हैं, भाषा की सार्थक इकाई को हम वाक्य कहते हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन एक नंबर में यहाँ पूछ जाएंगे कि भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाएंगे, तो भाषा की सार्थक इकाई को हम सेंटेंस यानी कि वाक्य के नाम से जाना जाता है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य कहलाते हैं। वाक्य से छोटा होते हैं उसे हम उपवाक्य कहते हैं, और उपवाक्य से छोटा होते हैं इसे हम पद बंध कहते हैं, और जो पद बंध से छोटा होते हैं इसे हम पद कहते हैं, और पद को हम शब्द भी कह सकते हैं, और जो पद या शब्द से छोटा होते हैं उसे अक्षर कहा जाता है, और जो अक्षर से भी छोटा होते हैं इसे हम वर्ण या ध्वनि कहेंगे। वर्ण या क्या बोलेंगे? ध्वनि बोलेंगे। अब बात आई वर्ण या ध्वनि की, तो सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या ध्वनि कहा जा सकता है। अब आपसे सवाल आए कि हम वर्ण या ध्वनि किसे कहें, तो सिंपल सी बात समझना है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, इतना छोटा होते हैं कि इसका और हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, एकदम छोटा है, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ण या फिर हम इसे ध्वनि। अब सर, वर्ण या ध्वनि में अंतर क्या है? तो कोई चीज को अगर हम लिख देते हैं तो उसे वर्ण कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे क और हलंत लिख दिए तो एक प्रकार की वर्ण है, अगर इसको हम बोल देते हैं क तो एक प्रकार के यही ध्वनि हो गया, तो यही वर्ण और ध्वनि में अंतर है। फिर से एक बात यहाँ रिवीजन करते हैं, भाषा की सब सार्थक इकाई क्या कहलाते हैं? वाक्, और सबसे छोटा क्या होते हैं? वर्ण या ध्वनि होते हैं। अब ध्यान से समझिएगा चीजों को लेकर। अब यहाँ पे क्या है सर? तो वर्ण क्या है सर? अब यहाँ पे वर्ण क्या है इसके बारे में समझे, किसे कहते हैं वर्ण? तो वर्ण के बारे में अभी तुरंत हमने पढ़ा कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं, यानी कि वर्ण सबसे छोटा है, इतना छोटा है कि इसे हम और छोटा नहीं कर सकते, मतलब कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है इसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण का सिंपल सी बात है, याद रखना आपको, कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, तो जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, जिसको हम खंड बोलेंगे, टुकड़ा मतलब और छोटा हम नहीं कर सकते हैं, तो जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है इसी को हम वर्ण बोलते हैं। अब वर्ण क्या है? जिसकी खंड या टुकड़ा हम नहीं कर सकते, बहुत छोटा है, एकदम छोटा है, तो क्या कहलाएंगे? आपका वर्ण के नाम से जाने जाते हैं, और वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहेंगे। अगर आपसे पूछे वर्णों के समूह को, ए ग्रुप ऑफ वर्ण क्या कहलाएंगे, तो वर्णों के समूह को ही हम बोलते हैं वर्णमाला के बाद, वर्णमाला बोलते हैं। अब वर्ण आखिर है क्या सर? तो भाई क हलंत ये भी एक प्रकार का वर्ण है, अ आ ये सब सभी चीजों के आपका वर्ण है, तो ये चीजें जो आपकी वर्ण होगी, जितना भी आप क ख आई च छ जो भी चीज आप पढ़ते हैं सभी क्या है? आपका वर्ण। और वर्ण जब आपस में ग्रुप बना के रहते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्णमाला बोलते हैं। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्ण क्या है? तो लेखन के आधार पर अगर वर्णों की संख्या की जानकारी दिया जाए तो लेखन के आधार पर वर्ण 52 होते हैं, और उच्चारण के आधार पर वर्ण जो आपके 45, और एक अलग से री को हम लोग शामिल करते हैं। तो वर्ण अब दो प्रकार से पढ़ना है, एक को हम बोलते हैं स्वर वर्ण और दूसरा को हम बोलते हैं व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या बोलेंगे भाई? व्यंजन वर्ण की हम बातें करेंगे सर। तो एक अपन स्वर वर्ण होंगे और दूसरा अपन होंगे व्यंजन वर्ण। अब समझते